अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो आप लोग सब खैरियत से हैं। माशाल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं और हमारे सारे व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले मम्मी आज बना रहे थे अचार। ये मम्मी ने तीनों टाइप के शिमला मिर्ची ले लिए थे, जो रेड, येलो, ग्रीन थी। ये सबको मम्मी ने हल्दी और नमक लगा के रख दिए थे। अब मम्मी ने कढ़ाई के अंदर डाल दिए तेल, फिर उसके अंदर डाल दिए थे सब चिलीज़, और चिलीज़ को अभी मम्मी अच्छे से टॉस कर रहे ताकि उसका पूरा थीकापन तेल के अंदर अच्छे से आ जाए। जब ये अच्छे से टॉस करके हो जाएगा, मम्मी इसके अंदर डाल देंगे तीनों कलर की मिर्ची। अगर आपके पास रेड और येलो कलर की शिमला मिर्ची ना हो तो ना डालें, सिर्फ ग्रीन से भी बन सकता है। फिर मम्मी ने इसमें डाल दिए थे रोस्टेड राई पाउडर, फिर उसके अंदर डाल दिए लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और इसको अच्छे से मम्मी अभी टॉस कर रहे हैं। और मम्मी ने डाल दिए थे एक चम्मच जाड़ा धनिया पिसा हुआ। अभी अच्छे से टॉस कर लेने के बाद मम्मी इसके अंदर डाल देंगे फाइनल टच, जो है नींबू। नींबू डालने से ही अचार का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नींबू ना हो अवेलेबल तो आप विनीगर भी डाल सकते हो, उससे भी ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये अचार ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनता है। फिर अभी नेक्स्ट हम मैं तैयारी करूँगी आज लंच बनाने की, जिसके अंदर मैं बना रही हूँ भेजे का सालन। सबसे पहले मैंने भेजे को बॉईल करने रख दी थी, जिसके अंदर मैंने डाल दी थी अदरक लहसुन का मसाला और नमक, और एक प्रेशर कुकर के अंदर मैंने ले ली थी तीन प्याज और एक टमाटर, और इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ। ये सॉटे कर लेने के बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर एक चम्मच नमक, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का मसाला। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी थोड़े टाइम के लिए, फिर एक गिलास पानी डाल देने के बाद मैं इसको ले लूँगी विसल, तीन फास्ट और एक स्लो। मील वाइल जब तक विसल आ रही थी, मैंने नेक्स्ट भेजा जो बॉइल्ड हो चुका है उसको अभी एक प्लेट में निकाल ली थी, और मैं इसको साइड पे रख दूंगी ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा मुझे इसे कट करना है। अब देखिए विसल मेरा प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको रख दूंगी सालना भूनने के लिए। अभी इसको मैं भूनने के टाइम पे कुछ पाउडर मसाले भी डाल दूंगी, जैसा है धनिया पाउडर, फिर डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच तीखी वाली मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक ये पूरा पानी ड्राई ना हो जाए। जब तक सालन अच्छा भूने जा रहा है, अब ये भेजा भी ठंडा हो गया है, तो मैं अब इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मेरा पूरा भेजा कट करके हो चुका है। फाइनली मेरा पूरा सालन भून के हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर मैं ये बॉयल्ड भेजा इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको बस एक स्टर अच्छे से देने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी फाइनल टच, जो कि होता है गरम मसाला पाउडर। अब गरम मसाला पाउडर डाल देने के बाद मेरा भेजे का सालना इज़ रेडी। ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको हम लोग ज़्यादा करके ब्रेड के साथ खाते हैं और खिचड़ी के साथ। देखिए कितना माशाल्लाह बेहतरीन सा भेजे का सालना मेरा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही यमी बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। फाइनली हमारा लंच रेडी हो चुका था, जिसके अंदर था भेजे का सालन, खिचड़ी और अचार। लंच को एंजॉय करने के बाद हम लोग थोड़े देर आराम कर लिए थे, और उसके बाद असर में अम्मू ने कर ली थी रोशनी, और ईशा की नमाज के बाद हम लोग घर से निकल चुके थे डिनर करने के लिए। डिनर करने के लिए हम लोग गए थे दिल्ली दरबार के रेस्टोरेंट में। वैसे तो इनकी बहुत सारी ब्रांच है मुंबई में, पर हम लोग चले गए थे कुलाबा की ब्रांच में, क्योंकि ये हमको नज़दीक भी पड़ता है और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। रेस्टोरेंट जाना तो सिर्फ एक बहाना होता है, बस ये तो एक मौका रहता है कि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना इंजॉय करे और एक क्वालिटी टाइम साथ में बिठाए। बस इसके लिए हम लोग ऐसे ही फैमिली रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं फूड को भी, और हमारा क्वालिटी टाइम को हम लोग इंजॉय करते हैं। दैट्स इट। अभी हम लोग चूज़ कर रहे थे कि हम लोग किस तरफ बैठे, इस तरफ बैठे कि उस तरफ बैठे, क्योंकि एसी के हिसाब से भी बैठना पड़ता है। मम्मी को ज़्यादा एसी चलता नहीं है। फाइनली हम लोग ने हमारा टेबल सेट कर लिए कि हम कहाँ बैठेंगे,
और अब मैं मेनू चेक कर रही थी कि क्या मंगाना है और क्या नहीं, और मीनवाइल अम्मू और मेरे भाई का हो गया था सेल्फी टाइम स्टार्ट। और फिर नेक्स्ट हम लोग, बस मम्मी को थोड़ी ठंडी पड़ने लग गई थी तो हम लोग ने सबसे पहले मंगा लिए थे स्वीट कॉर्न सूप, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है और अम्मू का भी। तो बस हम लोग पहले सबसे पहले स्वीट कॉर्न सूप को इन्जॉय कर रहे थे, फिर फाइनली आ गया था मटन कटलेस जो मेरे और मेरे भाई का फेवरेट है, फिर आ गई अम्मू की फेवरेट चिकन लॉलीपॉप, और फिर नेक्स्ट आ गया था मेरे भाई का फेवरेट जो है फिंगर गोल्डन फिंगर चिकन। ये भी बहुत अच्छा रहता है, अगर आप इस रेस्टोरेंट में आए तो ज़रूर ये ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और फिर नेक्स्ट हम लोग ने ले लिए थे ग्रेवी जो है मटन की, जो बहुत ही अच्छी थी, और साथ में ले लिए थे तंदूरी रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह द फूड वॉज यम। फाइनली हमारा डिनर हो चुका था और हम लोग ने ले लिए थे डेजर्ट। डेजर्ट में हम लोग ने ले लिए थे शाही टुकड़ा जो यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और इस तरीके से हम लोग ने हमारा आज का दिन इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड डे, बहुत ही अच्छा डिनर था। और सभी को वंस इन अ ब्लू मून तो इस तरीके से निकलना ही चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना ही चाहिए। और फाइनली हम लोग हमारे घर पहुंच चुके हैं। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।